लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। लेकिन रास्ते में भी इसलिए था, जब बाइक चला सकती है तो ये रोडों पर तो भगा के लेके जाएगी, मुझे भागना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि सुनीता अपने पीर गई हुई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, अकेला था। और आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे हमारा खेत, मैं और सुनीता दोनों जने जाएंगे खेत, और खेत का शानदार नज़ारा आपको दिखाएंगे। खेत में क्या कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे खेत में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में। सुनीता दिखा देता हूँ, सुनीता खेत के लिए हो रही है तैयार। सुनीता खेत चलना है, अपने को जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कोई शादी में तो जाना। फाइनली हम दोनों तैयार हो गए हैं, ये अपना ऊंची होंडा खड़ा है, इसके ऊपर हमें जाना है। सुनीता मेरे से पहली गली में आगे खड़ी, चले सुनीता। अब जो है हमारी सवारी है तैयार, हमें है। फाइनली हम दोनों निकल चुके हैं, भाग लगा हुआ है किन्नुओं का, ट्रैक्टर को हम जा रहे हैं खेत। ये खेत का रास्ता है, कितना शानदार, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप कितनी मज़ेदार है, यहाँ फोटो शूट करने में बड़ा आनंद। आगे कुछ महिलाएं जो है वो पैदल जा रही हैं खेत को, पता नहीं किस काम से जा रही है, ये आप देख सकते हो, अभी क्रॉस करेंगे इनको अपने, ये खूब मज़ा आ रहा है ना सुनीता। ये हम ये मान लो कि लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। तो अभी फाइनली खेत हम पहुँच चुके हैं लगभग, ये है हमारी सरसों और ये हमारा खेत है। ये खेत का जो मेन गेट है वो है, हमने बाइक रोक, ये खेत को जाने के लिए ये बना हुआ है रास्ता, और अभी इस रास्ते को अपने देते हैं खोल। सुनीता तो थोड़ी हेल्प कर इसको खुलाने के लिए, सुनीता देखते हैं खोल पाती है या नहीं, इसको निकालना है। सुनीता लगा लिए जोर, ले तू पकड़ सर फोन। सुनीता से ये नहीं खुला है, अब मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेन गेट खोल दिया है, ये हमारी सरसों का नज़ारा आप देख सकते हो, बड़ा ही शानदार है। अभी जो है आपको दिखाएंगे, सुनीता चलाएगी बाइक, चला पाती है नहीं, पहले एक दो बार ट्राई इसने कर रखी है, अभी अपन देखेंगे चला पाती नहीं। आजा सुनीता चलाते हैं। तो फाइनली सुनीता हो चुकी है तैयार बाइक पे चढ़ने के लिए, सुनीता चलाएगी बाइक जल्दी, मैं नहीं बैठूंगा पीछे, तेरे पीछे बैठ के मुझे रिस्क लेनी नहीं है, अब तुझे ही चलानी पड़ेगी। सुनीता चलाएगी, देख देख लेते हैं ये चला पाती है नहीं, मैं नहीं बैठूंगा पीछे, नहीं नहीं तुझे चलाना आता है चला ले, देखते हैं स्टार्ट कर पाती है कि नहीं, कर कर, इससे जो है स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट करके देना पड़ेगा इसको, चाबी लगानी है पहले, ये बहुत समझदार है, इसने चाबी ऑन ही नहीं की है। अब हो गया स्टार्ट, अब स्टार्ट इसने कर लिया है, अभी देखते हैं चलाओ। मैं नहीं बैठूंगा पीछे तक, मैं नहीं बैठू, वहां तक लेके जानी है। आधे घंटे तक इससे मोटरसाइकिल चला ही नहीं है, भूल चुकी है कि मोटरसाइकिल कैसे चलाया जाता है। अभी फाइनली फिर से स्टार्ट किया है, फिर बंद हो गया, थोड़ी सी रेस देख रख, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसको। अभी फाइनली रेस वगैरह देने सीख गई है, सुनीता ने बाइक स्टार्ट कर ली है, धीरे धीरे क्लच छोड़, शाबाश क्लच छोड़, चला लेगी, शाबाश शाबाश। फाइनली सुनीता जो है बाइक चला रही है, और ये अच्छे तरीके से बाइक चला सकती है, रेस मत दे, ये अकेली लेके जा रही है, चल चल आगे। हाँ कैसा लग रहा है बाइक चला के? इसको आती है बाइक चलानी, देखते हैं चला पाती है कि नहीं।
शाबाश शाबाश चला दे शाबाश। और फाइनली सुनीता ने जो है बाइक चला ली। रास्ते में भी सुनीता जब बाइक चला सकती है तो ये रोडों पर तो भगा के लेके जाएगी, मुझे भागना पड़ेगा। सुनीता बहुत फास्ट लेके जा रही है बाइक को, अब मुझे इसके पीछे भागना पड़ेगा। आगे आगे तो सुनीता को फाइनली बाइक जो है वो चलानी आती है, इस बात का मुझे पता चल गया है। सुनीता बड़ी खुश नजर आ रही है। सुनीता फाइनली बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें ये बाइक चला के? अगर तुम इन कठिन रास्तों पे भी बाइक चला सकती हो ना तो फिर तो तुम कहीं भी चला सकती हो बाइक। कब सीखी थी तुमने? सुनीता के इस महान सीक्रेट का पता मुझे अभी अभी चला है कि इसको जो है बाइक चलानी आती है। इसको सिर्फ ये बताया है मैंने कि गियर कैसे लगते हैं, बाकी चला ये भी पता था। तो सुनीता ने खड़ा दिया है बाइक, अभी आपको दिखाएंगे खेत। ये हमारी सरसों आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है। हम जो है चल रहे हैं इस रास्ते से, ये हमारे तो इसको भाषा में खड़ा कह सकते हो, ये हम लोगों ने लगाया हुआ है लहसुन। और लहसुन के साथ में ही ये जो आप देख पा रहे हो ये है मूली, ये है मूलियाँ, इस तरीके से ये मेथी और पालक, ये है हरा धनिया, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये है हरा धनिया। मस्त सुगंध आ रही है इसमें, बहुत अच्छी। शलगम भी लगाए हुए हैं बीच बीच में, पता नहीं वो कहाँ है। ये फीमेल नीम है इसको पता नहीं क्या कहते हो आप। और अब आपको दिखाएंगे, तो फाइनली आपको खेत का पूरा नज़ारा हम लोगों ने दिखा दिया। सुनीता जो है फोटो शूट में लगी हुई है। ये नींबू का बुंटा है, ये हमारी सरसों है, और इस तरफ जो है आप देख पा रहे होंगे ये हमारी है पीछे कणक। ठीक है, इस तरीके का खेत है यहाँ से लेकर के और ये जो आई होप कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। सुनीता ने जब बाइक चलाई थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि सुनीता जो है बाइक को नीचे गिर दे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले किसी मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देख ही पा रहे होंगे सुनीता मुझे अब लेके जा रही है घर, और बाइक ये जो है सुनीता चला रही है। अब देख पा रहे होंगे थोड़ा सा धीरे चला सुनीता, मुझे डर लग रहा है। सुनीता अपने आगे जोश चला रही तेजी से बाइक को, और बाइक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से सुनीता। सुनीता कैसा चल रहा है बाइक चलाते हुए? इसको चला रही ठीक है, और मुझे घर लेकर चली जाएगी लगता है सही सलामत। पूरी उम्मीदें हैं कि मुझे घर लेकर चली जाएगी सुनीता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी मजेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।